नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज हम बात करेंगे स्किन केयर और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने के मद्देनजर। इस विषय पर जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर स्किन एंड फिटनेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला अब शुरू करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, अब आपने बाकी लोगों को भी ट्रेन करने का चूंकि जिम्मा उठा लिया है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन कॉस्मेटोलॉजी एंड लेजर में ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है। मैडम, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन कॉस्मेटोलॉजी एंड लेजर्स। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जो की एस्थेटिक मेडिसिन पढ़ाएगा। तो एस्थेटिक मेडिसिन इज समथिंग, एस्थेटिक और मेडिसिन के दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं, और एस्थेटिक का मतलब हुआ खूबसूरत दिखने की साइंस, और चूंकि ये मेडिसिन है तो इसको जो है एस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर और मेडिकल इंटरवेंशन होता है। क्योंकि एस्थेटिकली तो हम सलून पे जाकर भी खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन मेडिकली जो उसको हम कहते हैं इनर ब्यूटी से सुंदर होना, तो स्किन को सच में अच्छा करना जो सिर्फ मेकअप की मोहताज ना रहे, उसको हम एस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं। और इसी की ब्रांचेस हैं जिसको कि हम कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं, और इसके लिए टूल्स यूज होते हैं जिसमें कि लेजर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो इस पूरी श्रृंखला के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ाते हैं कि एस्थेटिक मेडिसिन क्या है, कॉस्मेटोलॉजी क्या है, लेजर क्या है, और इसके अंदर पूरा बृहत सिलेबस हम कवर करते हैं, दैट इज वेरी वास्ट, जो कवर करता है स्किन के बारे में, स्किन डायनामिक्स के बारे में, और हम खूबसूरत दिख कैसे, मतलब क्या साइंस है खूबसूरत दिखने की, उसके बारे में पूरी बात करता है। तो इस इंस्टीट्यूट को हमने अभी स्थापना करी है, और ये इंस्टीट्यूट जो है इतने कम समय में अमेरिका में डंस फ्लोरिडा के साथ में इसका रजिस्ट्रेशन है, और यूके के इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड से ये सेंटर 7-स्टार एकेडमी के रूप में एक्रेडिटेड है। अब आप हमें ये बताएं कि कौन से नए कोर्सेज आ रहे हैं और ये कैसे खास होने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है। देखिए, इसके अंदर जो है जो खास बात है कि ये इंस्टीट्यूट सबके लिए है। सबके लिए से मेरा मतलब है कि एक सेगमेंट है जो हार्ड कोर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कवर करेगा, तो वो मेडिकल कोर्सेज हैं, क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लोग ही कर सकते हैं। कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जो कि जो है पैरामेडिकल, जो कि नर्सिंग में ट्रेंड है या किसी और मेडिकल संबंधित ब्रांच में ट्रेंड है, तो उनके लिए भी कोर्सेज हैं, तो उनको जो है हम कोर्सेज फॉर पैरामेडिकल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि डॉक्टर्स भी नहीं है और पैरामेडिकल भी नहीं है, फिर भी इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोर्सेज हैं। तो इस इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि इट इज इम्बाइबिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल। जो सैलरीज हैं, अगर एक नॉर्मल पर्सन को सैलरी 10,000-12,000 की मिलती है, इन कोर्सेज के बाद में लगभग लगभग वो सैलरी डबल हो जाती है, 20,000-25,000 भी हो जाती है, और अगर उसके अंदर स्किल सेट अच्छा है, काउंसलिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आदमी लाखों में कमा सकता है, ऐसा इस फील्ड की संभावनाएं हैं। तो युवाओं के लिए ये फील्ड अभी बहुत इनवाइटिंग फील्ड हो रही है और काफी लोग इसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद जी, हाल ही में आप इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड के मेंबर और इंटरनेशनल फैकल्टी हेड बने हैं, तो इस नई भूमिका के बारे में भी कुछ बताइए। बड़ा अच्छा लगता है जब जो है आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मैंने अभी पिछले कई वर्षों से मैं ट्रेनिंग्स ले रहा था और ट्रेनिंग दे भी रहा था, मीनवाइल इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड से भी हमारा संपर्क हुआ, मैंने उनका एग्जाम को दिया तो आई क्लियर्ड विद 97%। फिर उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उसपे मैंने कहा चलो एज अ फैकल्टी इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड पे जाते हैं, तो उससे इंटरव्यू पे गया, तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया, और उन्होंने मुझे ना सिर्फ फैकल्टी बनाया बल्कि इंटरनेशनल फैकल्टी का हेड भी बनाया, और मुझे कुछ शेयर्स देकर उसका बोर्ड मेंबर भी बनाया। तो मैं भारत का नाम इंटरनेशनल स्तर पर लेके जा पाया, इस बात का मुझे बड़ी गर्व है और खुशी है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा इंटरनेशनल लेवल पर।
तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा सोचकर। और मैं पक्का श्योर हूँ कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, एशियन कंट्रीज में वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कंट्रीज है, तो इस नए रूल के अंदर मैं जस्टिस कर पाऊंगा और इंडिया के अंदर अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम कर रहे हैं, तो शायद मैं भी कुछ उसमें हाथ बटा पाऊंगा कि हम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्किल सेट दे पाएंगे ताकि इंडिया की ग्रोथ हो सके। क्योंकि आप हमसे एग्री करेंगे कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं पर स्किल्ड वर्क फोर्स बहुत कम है, तो जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी विजन है स्किल्ड वर्क फोर्स जनरेट करने का, तो ये एक उसी श्रृंखला में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो जाएगा कि हम स्किल्ड मैन फोर्स डेवलप कर पाएंगे। अब हमें आप उन्हें आम समस्याओं के बारे में बताएं जिनके लिए लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज का चलन अब कम हो रहा है, इट इज मोर ऑफ अ एस्थेटिक मेडिसिन जिसमें बिना सर्जरी के काम हो जाए, और लेजर हेयर रिमूवल जो है बहुत पॉपुलर एक वन ऑफ द सर्विस है। तो इसमें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि हेयर रिमूवल तभी तक हो सकता है, लेजर हेयर रिमूवल, जब तक बाल काले हैं, तो जितनी जल्दी हम करा लें 18 साल की उम्र के बाद से उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जैसा अभी आजकल पीसीओडी बहुत हो गया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो उसकी वजह से भी फीमेल्स के चेहरे पर और इधर काफी बाल आ जाते हैं जो अच्छे नहीं दिखते, और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली वैक्सिंग कराने लगते हैं जिससे कि स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है और उस पर दाग आ जाते हैं जिनको हटाना बहुत मुश्किल आता है। जहां तक रही एंटी एजिंग थेरेपीज की बात की उसकी सही एज क्या है, तो इंटरनेशनल रिसर्चेस के अंदर इसको प्रूव करा गया है कि जो बेस्ट एज है एंटी एजिंग की वो है 28 साल, क्योंकि उस समय तक हम अच्छे दिख रहे होते हैं और हमारे अंदर एजिंग के चेंजेस नहीं आते हैं। पहले ये उम्र 30-35 साल हुआ करती थी, पर चूंकि अब लाइफ स्टाइल चेंज हो गए, जंक फूड्स वगैरह काफी आ गए, तो ये उम्र अब शिफ्ट होकर 28 साल हो गई है, तो दैट इज द करेक्ट एज। बड़े सारे लोग 50-55 साल की एज में एंटी एजिंग कराने आते हैं, तो अब एंटी एजिंग उसमें करना थोड़ा सा मुश्किल आता है क्योंकि एजिंग ऑलरेडी हो चुकी है। एंटी एजिंग इज लाइक अ वैक्सीन, तो एजिंग होने के पहले आप कराएंगे, बीमारी होने के पहले वैक्सीन लेंगे तो ज्यादा अच्छी इफेक्टिव होती है। डॉक्टर अरविंद जी, स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आखिर में आप दर्शकों को डेली केयर स्किन के लिए क्या खास टिप्स देना चाहते हैं? बिल्कुल, तो इसमें जैसा अभी मैंने कहा कि एक तो प्रॉपरली क्लींस करें अपने फेस को, ये एक डेली रूटीन होना चाहिए। काफी लोगों से मिलता हूँ, उनसे बोलता हूँ सनस्क्रीन, तो बड़े गर्व से कहते हैं कि नहीं, हम तो कुछ नहीं लगाते चेहरे पर। ये गर्व की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सनस्क्रीन हम नहीं लगा रहे हैं तो उसका नुकसान आज थोड़ी दिखेगा, उसका नुकसान 10-12-15 साल बाद दिखाई पड़ेगा, पर तब तक देर हो चुकी होती है और काफी सारा डैमेज हो चुका होता है। सनस्क्रीन रोज लगाएं, अभी सर्दियां आ रही हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन जल्दी एज करती है, तो अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर हमें लगता है कि नहीं है तो इवन सिंपल ऑयल ऑफ कोकोनट एटसेट्रा भी हमको हेल्प करता है, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो पोल्यूशन बहुत है, हमारी लाइफ में आजकल जंक फूड्स बहुत हैं, जी तो स्किन डैमेजेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत है, स्लीप साइकिल चेंज हो गए हैं, तो एक कोई अच्छी स्किन रिपेयर क्रीम रात में जरूर लगा के सोएं जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी, इस तरह के कंपोनेंट्स हो, ताकि जो हमने दिन भर में स्किन को डैमेज करा है, जो हमने ऑक्सीडाइज हुई है हमारी स्किन, वो हम कर सकें। रेटिनॉल्स वगैरह भी एडवाइस करे जाते हैं, लेकिन वो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ना इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो बट विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब बड़े सेफ अपने आप में फिनोमिनल है, वो कर सकते हैं। और रात में विटामिन सी, विटामिन ई के अच्छे सीरम्स आते हैं, वो लगा लें, और अपनी डाइट हेल्दी रखें। अपनी डाइट में कम से कम विटामिन सी, विटामिन ई, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन ए, इन सबको जरूर से इंक्लूड करें। विटामिन डी भी आजकल बहुत डेफिशियंट है अपनी डाइट के अंदर, उसको जरूर डालें, तो ये हमारी स्किन को लंबे समय तक मेंटेन रखेगा, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा और एजिंग और डिफरेंट स्किन डिजीजेस से हमको बचा के रखेगा। डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, हमारे साथ ये जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। तो आज हमें स्किन केयर से जुड़ी उपयोगी जानकारियां और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में जरूरी सुझाव हासिल हुए। उम्मीद है कि आप सभी भी इससे जागरूक हुए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।